Good afternoon, guys. Welcome to our YouTube channel, Dev Success Mantra. जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम देव कुणाल श्रीवास्तव है. आज हमने जैसे कि बात की थी कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा. हाँ यार, कुछ रीजन की वजह से वीडियो डल नहीं पाई थी, अपलोड नहीं पाई थी. मैंने वीडियो बनाई भी थी, अपलोड की थी, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया गया था. कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, जैसे वीडियो प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी. अब आपको प्रॉपर वीडियोज मिलेंगी, कोई इशू नहीं है. और अच्छा लगा यार, सबने खूब प्यार दिया पिछली वीडियोज में मैंने अपलोड की. लाइक आए, व्यूज आए, अच्छा लगा. ऐसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अच्छा लगेगा. और आप लोगों को भी वीडियो मिलती रहेंगी. और यार, वीडियो मैं बनाने में मैं आधे घंटे की भी बना सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है. SSC का जो वो है, अगर हम SSC की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यार 10 मिनट की वीडियो सफिशिएंट एंड है. वरना मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, कोई फायदा नहीं है. जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, बहुत रहेगा. 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, 10 मिनट की हो जाएगी मैक्सिमम. बस 10 मिनट पढ़िए, हिस्ट्री निकल जाएगी. इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे आराम से. तो चलो यार, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करेंगे आर्य समाज. अब आर्य समाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्य समाज यार, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, हमारे अलग अलग समाज स्टार्ट हुए थे. ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, इस टाइप से हमारे समाज स्टार्ट हुए थे, स्थापना हुई थी. तो यार आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी. स्वामी दयानंद सरस्वती. अब कौन थे, अब इनका इनके बारे में भी बताता हूं मैं. स्वामी दयानंद सरस्वती, जो यार जो मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, वो आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा. वीडियो अलग रहेगी, अपने माइंड में सेट कर लीजिए. इतने ही चीज से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं. स्वामी दयानंद सरस्वती पहला क्वेश्चन यही आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, रियल नेम क्या था. इनका जो रियल नेम था वो था मूलचंद. मुख्य नाम जो था वो था मूलचंद. इनका रियल नेम था, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रियल नेम था मूलचंद. अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, आप नाम क्या लग रहा है, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है. चलो, ये नाम हो गया स्वामी. जैसे आज की डेट में हमारे एडवोकेट ADV लगाते हैं, राइट, डॉक्टर DR लगाते हैं. इसी तरीके से पहले ये टाइटल्स हुआ करते थे, जैसे स्वामी, महात्मा, ये सब टाइटल्स हुआ करते थे हमारे. और टाइटल्स हुआ करते थे. अब ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनको स्वामी की टाइटल जो था वो किसने दिया, स्वामी का टाइटल इनको किसने दिया था. तो इनको स्वामी का जो टाइटल दिया था वो दिया था स्वामी पूर्णानंद ने. स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ने इनको स्वामी का टाइटल दिया था. अब स्वामी पूर्णानंद कौन थे, वैसे क्वेश्चन कभी नहीं आता कि कौन थे क्या थे, केवल इतना ही क्वेश्चन आता, स्वामी का टाइटल दिया किसने दिया, स्वामी पूर्णानंद ने. वो क्लियर दोबारा लिख देते हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो. स्वामी पूर्णानंद, इन्होंने स्वामी का टाइटल दिया था इनको. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अब क्वेश्चन आता है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था. इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद. स्वामी विरजानंद, यहां पर भी स्वामी आएगा यार, स्वामी पूर्णानंद. अब आगे चलते हैं. अब जैसा कि आप हमने बताया, इनके मूल नाम था मूलचंद. स्वामी पूर्णानंद ने इनको स्वामी की उपाधि दी थी. इनके गुरुजी का नाम था स्वामी विरजानंद. अब आगे चलते हैं इसी कंसेप्ट में. अब आगे जो हम स्टार्ट इसके आगे चलते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा आपको. तो यार, अब इन्होंने एक, अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं इनको. अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. अब इन्होंने कहा था इनको वेदों पर पूर्ण विश्वास था. हमारे 4 वेद हैं, इनको वेदों पर पूर्ण विश्वास था, ठीक है. अब मेरे क्वेश्चन आता है, 4 वेद कौन से थे, अगर कभी नहीं आता, कभी SSC पूछ ले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 4 वेद हमारे कौन से हैं. चलो, उसके बाद वेदों पर इन्हें पूर्ण भरोसा था. अब वेदों के अंदर ही जो हमारे जो 4 प्रकार से जो हमें सोसाइटी डिवाइडेड है, वो किस में डिवाइडेड है, ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, आप कभी, मैं आपको आपकी नॉलेज के समझाता हूँ, ऐसा कोई है नहीं। देखिए ब्राह्मण्स का, जो ब्राह्मण्स का काम था पहले, वो टीचिंग करते थे, टीचर्स थे, जो गुरु 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 बन जाते हैं, टीचर्स थे। और क्या करते थे ये लोग, और मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते हैं, मंदिर में आप पंडित कह लो, पुजारी पुजारी कह लो, ये थे क्षत्रिय। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिकली ये जो सैनिक वगैरह होते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो और सैनिक ले लो, पुलिस ले लो, यार ये सब इसमें ही आते हैं। वैश्य की बात करें तो ये जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, जॉब्स वगैरह करते थे, अकाउंट्स, ये उस सब से रिलेटेड था, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, फार्मिंग बिजनेस, फार्मिंग आप ले लो बिजनेस, ये काम थे इनके बेसिकली। मोची वगैरह होते हैं, मोची लगा लो, घर में काम करते हैं ये शूद्र पे, ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने एक स्लोगन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था, स्लोगन इनका था, इंडिया फॉर इंडियंस, इनका स्लोगन था भारत भारतीयों के लिए है। इनका क्या स्लोगन था, भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने एक वो भी चलाई थी, इन्होंने जैसे कि हम कह सकते हैं एक आंदोलन भी चलाया था, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। क्या नाम था, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन का मेन पर्पस क्या था, टू रिवाइव हिंदू रिलीजियस, टू रिवाइव हिंदू रिलीजियस का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसको हम वेस्टर्न कल्चर में आते जा रहे हैं। हम लोग पहले साड़ी वगैरह पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, वो सब भूल कर पैंट कोट पे आ गए हैं, जीन्स टी शर्ट पे आ गए हैं। और हमारा जो मेन मोटिव पहले क्या, हम हिंदू में क्या था, पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो सब खत्म हो गया। खाते भी पहले तो शुद्ध शाकाहारी खाना था, अब तो पता नहीं क्या क्या ही खा रहे हैं, तो वो सब उसके लिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। अच्छा, और इन्होंने एक बुक और लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1879 में, और कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत, संस्कृत भाषा में बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश 1879 में, और लिखी थी संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन आता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब लिखी थी, 1879 में, कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन आपको जितना भी मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यार, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये, ऐसा नहीं आता कभी, इससे अलग कभी कुछ आएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अब इसी में आगे चलते हैं। आपने स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना है, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो फॉलोअर थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, फॉलोअर थे। आप ऐसे ला, हाँ ठीक है, इन्हीं के फॉलोअर थे ये, इनके फॉलोअर थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, फॉलोअर थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का मैं अगर कॉन्सेप्ट आगे चलाऊं तो
तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने, अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है गुरुकुल कांगड़ी के बारे में, जो अभी गुरुकुल कांगड़ी जिसे हम कहते हैं, गुरुकुल कांगड़ी कहां पर है ये? गुरुकुल कांगड़ी है हरिद्वार में। पहले इसका जो नाम था वो था हरिद्वार गुरुकुल, हरिद्वार गुरुकुल इसका नाम था पहले। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में और स्वामी श्रद्धानंद ने ही इसकी स्थापना की थी हरिद्वार में, जिसका नाम था हरिद्वार गुरुकुल, जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया, गुरुकुल कांगड़ी। ये क्वेश्चन आता है हरिद्वार गुरुकुल या गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। किसके फॉलोअर थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के। कब की थी? 1902 में। कहां की थी? हरिद्वार में की थी। ये इसमें है। और एक चीज और चलो हम पढ़ते हैं इसके अंदर ही। अब यार आपने सुना डीएवी स्कूल के बारे में? अभी आप लोगों ने सुना डीएवी स्कूल का नाम सुना है? डीएवी, तो डीएवी स्कूल भी आर्य समाज की ही स्थापना थी। इसको जो स्थापना की गई थी डीएवी स्कूल की, वो की गई थी स्वामी हंसराज द्वारा, स्वामी हंसराज द्वारा 1886 में, बेसिकली 1 जून 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? लाहौर में, जो अब कहां है? पाकिस्तान में। लाहौर में स्थापना की गई थी 1886, 1 जून 1886। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म है दयानंद डी से दयानंद ए से एंग्लो वैदिक स्कूल। डीएवी की फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी की फुल फॉर्म है। और बेसिकली यही इसका कॉन्सेप्ट था यार। और श्रद्धानंद जैसे कि मैंने आपको बताया, बस यही क्वेश्चन इससे बनते हैं यार, इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। एक बार जल्दी से अगर रिवाइज करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती की नई आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है यार, स्थापना कहाँ की गई थी? ये थी बॉम्बे में। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? बॉम्बे में था। 1875 में की गई थी। स्वामी हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की थी। यही सा कॉन्सेप्ट था यार, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। ऐसी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगली जो यार हम वीडियो बनाएंगे, अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी रिलेटेड टू मैथ। मैंने आपको बताया था कि अब मैं एक चैप्टर मैथ का भी लाऊंगा, तो मैथ में अब मुझे बताइए कि मैं रेशियो स्टार्ट करूं या परसेंटेज स्टार्ट करूं? यार जो कहोगे वो स्टार्ट कर देंगे। टारगेट एसएससी को बना लो, सीजीएल बना लो, एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम बना लो जो एसएससी कंडक्ट कर रहा है, सब में यही हिस्ट्री पूछी जाएगी, वही जो मैथ पढ़ाऊंगा मैथ वही पूछी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आज ना अभी चार्ज लगाऊंगा ना आने वाले कुछ समय, आने वाले कभी इसमें चार्ज लगेगा। फ्री वीडियोस मिलेंगे आपको, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।